एसएस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रशांत जी अग्रवाल के उद्बोधन के साथ हम सुनेंगे पीसीसीआई के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र जी लोहिया सर, हम सेक्रेटरी डीसीसीआई रवि जी चौहान सर की मन की बात आपके साथ शेयर करेंगे, नारायण सेवा संस्थान के फाउंडर चेयरमैन श्री कैलाश जी मानव साहब का आशीर्वाद हमें मिलेगा, उसके पश्चात हम ट्रॉफी अनावरण का एक छोटा सा वीडियो हम जरूर इस मंच पर शेयर करेंगे जो कि बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी सर, उपाध्यक्ष राजू जी शुक्ला सर, ऑनरेबल सेक्रेटरी जय शाह सर, बीसीसीआई सेक्रेटरी रविकांत सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय प्रताप सर की उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ था उसका भी एक झलक आपको दिखाएंगे। हरभजन सर ने जो ट्वीट किया है, जो शुभकामनाएं आपको भेजी है और जो अपनी ब्लेसिंग्स दी है वो ट्वीट आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम अभय सर की बात को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे ऑनरेबल हमारे बीच में कुछ और सम्मानीय अतिथिजन कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं और आज एक नया इतिहास उदयपुर मेवाड़ की ये पावन धरा, आप भारत के विभिन्न राज्यों प्रांतों शहरों से आए हैं, पूरा जनगणमन यहाँ पर दिख रहा है आज, लेकिन जिस राज्य में आप बैठे हुए राजस्थान जो अपने अतिथि देव भव के लिए केसरिया वालम पधारो हमारा देश के लिए जाना जाता है, जिस भूमि पर आप बैठे ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की शौर्य के बलिदान की त्याग की भूमि है जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लिख दिया। इस खूबसूरत शहर के खूबसूरत लम्हों में मैं आप सभी का आपके खूबसूरत कलाओं के लिए बड़े ही आनंद के साथ स्वागत करता हूं और ये शहर जाना जाता है अपने सेवा कार्यों के लिए। नारायण सेवा संस्थान जो विगत 38 से अधिक वर्षों से दिव्यांगों की, पीड़ितों की, वंचितों की, डिसेबल्ड की, अपाहिज अक्षम जनों की हर प्रकार की सेवा के लिए, चाहे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बात करें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके ओवरऑल फोर साइड डेवलपमेंट के लिए समर्पित है। उस नारायण सेवा संस्थान के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में डीसीसीआई डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, राजस्थान रॉयल्स जिसको पावर्ड कर रहा है, पीसीसीआई फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सम्मानीय अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वयं द प्रोग्राम इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय पुमा, इंडियन बैंक इलाहाबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो एक बार सभी स्पॉन्सर्स के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। असलों में जुनून और जिनके हाथों में दम होता है, और आपका दम तो दुनिया ने देखा है और आज उदयपुर से जुड़ते हुए सारा विश्व फिर से आपका दम आपका हौसला देखेगा माध्यम से और यहाँ उपस्थिति के माध्यम से यहाँ पधारे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, क्योंकि आप ही की कलम के माध्यम से, आप ही के चित्र और आपके ही चलचित्र के माध्यम से दुनिया इनके हौसलों को, इनके हुनर को, इनकी कला को, इनके टैलेंट को पहचानेगी। आइए दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम कार्यक्रम में आगे बढ़े। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नारायण सेवा संस्थान के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर कैलाश जी मानव साहब, आदरणीय लोहिया सर, सुरेंद्र जी लोहिया सर प्रेसिडेंट पीसीसीआई, आदरणीय रवि जी चौहान सर सेक्रेटरी डीसीसीआई, मैं निवेदन करता हूं संस्थान नारायण सेवा संस्थान की को फाउंडर श्रीमती कमला देवी जी, आइए दीप प्रज्वलन की मंगल में बेला में चलते हैं। आज इस मंच पर हम एक दीप जलाते हैं, हृदय के अंधियारे को अपने हौसलों से मिटाते हैं, दुनिया देखेगी आपकी रोशनी का कमाल, मिलकर एक बार हम ईश्वर से आशीर्वाद के लिए तालियों के साथ हाथ उठाते हैं। वॉल्यूम विश्वाधारम गगन सदृशम देहवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम् ईश्वर जिस भी रूप में होता है, जिस भी धर्म में होता है, भारत के इन त्योहारों, उत्सव, महोत्सव के दिनों में हम सबको और हौसला दे ताकि हम अपने खेल को अपना धर्म, अपना कर्म बनाते हुए इस विश्व को दिखा सके। दुनिया आपका लोहा मानती है, लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आपसे मोटिवेशन और आपसे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं। मैं मंचासीन अतिथि जनों से प्रार्थना करूंगा
कि आइए फ्लैग होस्टिंग की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मातृभूमि और हमारा भारत देश। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे बहुत शुक्रिया आभार। और हमारे मध्य डिविजनल कमिश्नर कुछ ही क्षणों में पहुंच रहे हैं सुरेंद्र जी लोहिया सर का अभिनंदन करते हुए श्री प्रशांत जी सर बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी लोहिया सर ने फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे फिजिकली चैलेंज बंधुओं के लिए सक्रिय योगदान और मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपका ये मंच गौरवान्वित होकर अभिनंदन करता है। हम स्वागत करते हैं ऑनरेबल सेक्रेटरी डीसीसीआई नारायण सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करते हैं आप सबके जाने माने चिर परिचित जो है आपके इस खेल की एक पहचान जिनका नाम है रवि जी चौहान। आपके बंधु आपके बांधव आपके मित्र रवि सर का स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी डीसीसीआई ड्राइंग स्क्वाड कमांडर अभय प्रताप सर। एक जोश जुनून से भरी हुई शख्सियत एक जिंदा दिली की मिसाल। और हमारे मध्य सम्मानीय डिविजनल कमिश्नर पधार रहे हैं जिनका मंच पर हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र जी भट्ट साहब आईएएस राजेंद्र जी भट्ट सर फिजिकली डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं। धन्यवाद आपका स्वागत करने पे मैं भी रहूंगा जी 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 प्रशांत है ना जी जी जी। और मैं निवेदन करता हूँ साथियों से स्थान ग्रहण करें। सम्मान सामग्री लेकर पधारें। मैं श्री कैलाश जी मानव साहब की उपस्थिति के साथ प्रशांत जी अग्रवाल सर से निवेदन करूंगा ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र जी भट्ट सर का इस टूर्नामेंट में पधारने के लिए जहां पर 24 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी पधारे हैं और ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय फिजिकली डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नारायण सेवा संस्थान एंड डीसीसीआई डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया पावर्ड बाय राजस्थान रॉयल्स इन एसोसिएशन विद फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्वयं बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन बैंक इलाहाबाद यूनियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक पुमा एंड स्वयं। मैं निवेदन करूंगा नारायण सेवा संस्थान की न्यौ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी बड़ी कृपा है आदरणीय भट्ट साहब। सुल्तान जी मैं नारायण सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करती हूँ नारायण सेवा संस्थान के डायरेक्टर महिला सशक्तिकरण के इस युग में कन्याओं के लिए बेटियों के लिए दिव्यांगों के लिए अक्षम जनों के लिए विधवा महिलाओं के लिए पूरे विश्व में अपने कार्यों से जाने जाने वाली वंदना मैम का अभिनंदन। स्वागत के इन क्रम में मैं निवेदन करूंगा आइए स्वागत करते हैं मंच को सुशोभित कर रहे आदरणीय श्री नितेंद्र आदरणीय नितेंद्र सिंह जी सर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वॉल्यूम। स्वागत करते हैं खेल के क्षेत्र में हमारे साथियों को
जिला स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना और उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने में अजीत जी जैसे अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वार्म वेलकम सर। इसी क्रम में अब हम स्वागत करेंगे हमारे मध्य पधारे हुए समाज के दिव्यांगों के खेल के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक चारण ए झंझाट सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तालियों से अभिनंदन करते हैं। यूनियन बैंक जो कि देश की अर्थव्यवस्थाओं में अपने बैंकिंग सुविधाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ आवर नेशन एंड बीइंग एंड आल्सो प्लेइंग सुरेंद्र कुमार जी विश्वकर्मा साहब डीजीएम, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सर, आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप दोनों बैंक आगे आए और आपने आके इस इवेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह देने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया, ये मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, सत्कार करता है। आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य कैलाश मानव जी जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है और नारायण सेवा संस्थान की नींव रखने वाले, एक एक मुट्ठी आटे से संस्थान को शुरुआत करने वाले, हमारी बहुत पूज्या माता जी श्रीमती कमला देवी जी जो इन्हें मजबूती प्रदान कर रही हैं, बैकबोन हैं क्रिकेट की, खिलाड़ियों की, और को प्लेटफॉर्म देने के लिए, मैदान देने के लिए, बीसीसीआई से बातचीत करके इनके समानता का अधिकार देने के लिए। हमारे बीच में है अभय प्रताप सिंह जी जॉइंट सेक्रेटरी डीसीसीआई, नितेंद्र सिंह जी ऑपरेशन डीसीसीआई हेड, और लोहिया साहब आदरणीय अजीत जी जैन साहब सेवा संस्थान परिवार और आदरणीय डीसी साहब के इस पूरे जिले की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय भट्ट साहब को और डाइस पर बैटल किए जो उदयपुर में पहली बार हुए, व्हीलचेयर क्रिकेट नेशनल स्तर का कंपटीशन जिसमें 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नारायण सेवा का नाम दर्ज हुआ। इससे पूर्व 2 नेशनल पैरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स हुए जिसमें देखकर आश्चर्य होता है कि जिनके हाथ पैर नहीं वो कमाल का क्रिकेट खेलते हैं। मैं चाहूंगा कि एक वीडियो है हमारे पास जो नारायण, पूरे विश्व में इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ है जो आज उदयपुर की धरती पर नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से ये टूर्नामेंट हो रहा है और नारायण सेवा संस्थान अपने आप में हर बार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, चाहे मैं व्हीलचेयर क्रिकेट की बात करूं या पैरा स्विमिंग की बात करूं या उससे पहले ब्लाइंड क्रिकेट की बात करूं, ये इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और इनके जो कार्य करने की जो लालसा है, जो अपनापन है, दिव्यांग जनों को उनका ऑपरेशन करना, उनको यहाँ पर जॉब देना, जॉब के लिए तैयार करना, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करना, ये सब उनका काम है और बड़ा हर्ष हो रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस मंच पर आकर। नारायण सेवा संस्थान ने जो सजाया है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने पूरी डिसिप्लिन के साथ इस क्रिकेट को इंजॉय करना है, अपने और अपने देश का नाम रोशन करना है, नारायण सेवा संस्थान का नाम रोशन करना है। मंच पर उपासन जितने भी अतिथि बैठे, मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंट लेवल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और डेफ एंड म्यूट क्रिकेट से बनी हुई अम्ब्रेला है और हाल ही में बीसीसीआई ने इसको अपना सहयोग देने की बात कही। और सबसे बड़ी बात, जैसा जी जिस लालसा के साथ और जिस लगन के साथ और जिस मेहनत के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा जय भाई का, जिन्होंने आपके लिए कितने ही सपने सजोए हुए हैं लेकिन वो सपने धीरे धीरे आप सभी के सामने आएंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारी अतिथि साहब के पास समय कम है, लेकिन मेरी बातें और भी रहेंगी, आगे जितना भी टूर्नामेंट चलेगा मैं अपनी बातें कहता रहूंगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी रविकांत जी चौहान सर और ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय प्रताप सिंह सर की मौजूदगी में ये ट्रॉफी का अनावरण हुआ था, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। उनके पुत्र जो समय समय पर इस तरह के आयोजन करते हैं कि
न केवल उदयपुर बल्कि पूरा देश अचंभित हो जाता है। और दिव्यांगों को मूल एक मेन स्ट्रीम में लाने में जो कार्य नारायण सेवा संस्थान कर रहा है, वह कार्य जो ये कर रहे हैं उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि बहुत। आप सभी जो मेरे मित्र यहां बैठे हैं जो आज खेल में भाग लेने आ रहे हैं, भाग लेने आए हैं और जो आज खेलेंगे, 32 टीमें आई हैं, विभिन्न प्रांतों की टीमें हैं, चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, राजस्थान की हो, गोवा, दिल्ली, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, विदर्भ, मध्य प्रदेश, सब जगह की टीमें यहाँ पर आई हैं। कईयों के तो नाम लेना भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो ये टीम्स यहाँ आई हैं और जो खिलाड़ी हमारे यहाँ जिस जज्बे से आए हैं और जिस यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने, हो सकता है कोई चीज़ आप में कम दी हो, लेकिन आप में एक नई चीज़ ऐसी दी है जो किसी में नहीं है। बस उस चीज़ को पहचानना है और उस चीज़ को अपना करियर बनाना है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, अपने अंदर की वो पोटेंशियलिटी, वो जो आपके अंदर एक दिव्यता है, उसको ढूंढना है कि आप किस चीज़ में सबसे अधिक हैं। कोई अगर आपको कहता है बेचारा, तो उससे कभी बात नहीं कीजिए, उसका कभी कोई एहसान मत लीजिए, लेकिन जो आपको आगे बढ़ाकर मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है, आपको मदद करता है, जैसे कि नारायण सेवा संस्थान कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग देकर अपने आत्मनिर्भर मेन स्ट्रीम में लाकर अपने को रोजगार से जोड़कर या खेलों से जोड़कर जिससे आप आगे बढ़ सकें, ये कार्य जो करते हैं उनको ही नमन किया जाता है, उनको ही वर्ल्ड बुक के अंदर उनका नाम लिखा जाता है। और ये जो अच्छे कार्य हैं, जो सेवा है, कैलाश मानव जी कब से करते आए हैं तो, और उन्हीं से प्रशांत सीख रहे हैं। और मैं धन्यवाद यहाँ स्पॉन्सर्स को भी देता हूँ कि वो आगे बढ़कर आए, उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सरशिप ली, और साथ ही DCCI के मेंबर्स जो उत्साहवर्धन के लिए इस टूर्नामेंट को तीसरा बता रहे थे, वो थर्ड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी टूर्नामेंट है। और आप सब लोग जो यहाँ खेल रहे हैं पूरे मन से खेलिए। और मैं अभी एक इलेक्शन कमीशन की बैठक है इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं दृष्टा की कि मैं पहले बोलने लग गया और यहाँ से जल्दी भी निकल जाऊँगा, लेकिन मैं इस टूर्नामेंट, आपका टूर्नामेंट जो चलेगा, उसमें एक न एक अवश्य आकर एक मैच देखूँगा और हो सकता है वो फाइनल हो। हौसला अफजाई करने के लिए यहां पर उपस्थिति को दर्ज कराया। तो आइए एक बार पुनः पुरजोर तालियों से आपको अभिवादन स्वरूप हम धन्यवाद अर्पित कर सके तालियों के साथ। मैं निवेदन करूंगा अपने ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो उज्जवणम, नमो लोए सव साहुणम। बहुत 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 खुशी हो रही है इस मंच पर, बहुत अखिल विश्व के महानुभाव विराजमान है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड की नेशनल स्तर की तृतीय अखिल भारतीय प्रतियोगिता है। इसमें डिसेबल्ड DCCI एवं राजस्थान रॉयल्स और हमारे स्पॉन्सर्ड महोदय जो बैंकों से पधारे हुए हैं, और पूरा मंच और आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करता हूं। बहुत बढ़िया। प्रिय प्रशांत भैया, आदरणीय कमला जी, प्रिय देवेंद्र जी, वंदना जी और नरेंद्र जी, रोहित जी और सभी साथी साधक महोदय जो यहाँ पर हैं, वो सब हाथ ऊंचा करके उनके लिए ताली बजाएंगे। आपके लिए व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया। और आपकी व्यवस्थाओं में कोई भी कमी रही हो तो मैं कैलाश मानव क्षमा मांगता हूँ और हमें बता दीजिएगा,
ताकि आपके लिए उचित व्यवस्था करा देंगे। और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी आशीर्वाद DCCI को प्राप्त है, बहुत धन्यवाद है, बहुत मानता नारायण सरोवर संस्थान बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और हमारे पदाधिकारी जो मंच पर विराजे हुए हैं, विभिन्न अखिल भारतीय संस्थाओं से पधारे हुए हैं क्रिकेट के, लोहिया साहब और सभी, उनके लिए जोरदार तालियां बजावे मंच के लिए, बहुत बढ़िया। और आप अपने आप के लिए तालियां बजावे बहुत, जो 24 राज्यों के 400 फिजिकल हैंडीकैप डिफरेंटली एबल्ड महापुरुष पधारे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे हमारे मध्य पधारे हुए फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुरेंद्र जी लोहिया साहब। मैं आपका 20 साल से प्रवचन सुनता हूं और मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि जब मुझे मालूम हुआ कि नारायण संस्था इतना बड़ा विशाल टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है, तो मैं बीमार रहते हुए भी मेरे कदम नहीं रोक सका। गुरुजी प्रशांत जी ने जो सुविधा दी है, पूरा स्टाफ ने जो सुविधा दी है, मैं उससे गदगद हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। हमारी तरफ से कोई भी किसी भी खिलाड़ी को कोई भी असुविधा नहीं है, तो मैं इसको पीछे से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की दया से जो भी आशीर्वाद इसको देता हूँ वो सफल होता है, वो सिर्फ उसका कारण आपकी शक्ति है और जो पीछे बैठे हुए हमारे मैनेजमेंट के सदस्य हैं। यदि मैनेजमेंट के सदस्य भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, कौन कैसे क्या करेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे गुरुजी, इंग्लैंड के अंदर विश्व की 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे बच्चों ने 5 मैच जीत के बड़े मार्जिन से वर्ल्ड कप जीता था। BCCI ने इनको 1 करोड़ की सहायता दी थी, जो कि हमने डायरेक्ट इन खिलाड़ियों के अकाउंट में पैसे भेजे थे। और मैं आपके इस मंच से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी सुविधा कोई भी स्पॉन्सर हमें देगा, वो सभी एक एक पैसा कुछ ना कुछ उसमें, जिन्होंने अब गोवा में ट्रॉफी का अनावरण भी किया, ड्रेस भी दी, गोल भी दी और आपके लिए शायद प्राइज भी भेजेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसी तरह फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे दरवेश शाह है, जो 10 साल से पीछे से हमारी मदद करते हैं। जब भी ये कोई भी मुझे कहते थे कि लोहिया साहब ये काम करना है खिलाड़ियों को, ये परेशानी हो रही है इनकी ट्रेन की फ्लाइट की टिकट बनवाओ, तो मैंने इनकी बात को एक्सेप्ट करके रात को ही इंतजाम किया है। एक बात तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले थर्ड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 चैंपियनशिप टू बी हेल्ड, स्पोर्ट्स पर्सन्स ने पढ़ा होगा और उन सब BCCI फ्लाइंग स्क्वाड लीडर श्री अभय प्रताप सिंह जी सर, जोरदार काबिलियत वाली शख्सियत, कैलाश जी, मानव जी, माता जी, बाकी सारे नारायण सेवा संस्थान के पदाधिकारी, हमारे परम पूज्य सुरेंद्र लोहिया जी, आदरणीय रवि चौहान जी ऑनरेबल सेक्रेटरी DCCI, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन श्री नितेंद्र सिंह जी और बाकी सारे, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। मैं कैलाश जी को बताना चाहूँगा कि मेरा 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले मैं एयरफोर्स पे था, हवाई जहाज उड़ाता था, और 2009 में मैंने जब एयरफोर्स छोड़ रहा था तो मुझे बहुत रोका गया, मेरे साथियों ने कहा कि क्या करोगे बाहर जाकर के, अब तुम डिसेबल्ड हो गए हो। तो मेरे दिमाग में उसी समय आ गया था कि वो डिसेबल्ड क्या होता है, तो किसी ने कहा कि कुछ कम है आपके अंदर,
तो मैंने कहा ऐसे तो आधी सभ्यता आधी दुनिया डिसेबल्ड है, क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो क्या पुरुष डिसेबल्ड हो गए, उनके पास कमी है? तो ये सोच मैंने डे वन में ही आ गई थी कि डिसेबल्ड का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कुछ कम हैं, हम केवल अलग हैं। जिस तरह से महिलाएं अलग हैं पुरुषों से, उनका काम अलग है, पुरुषों का काम अलग है। वो भगवान ने उनको जो शक्तियां महिलाओं को दी हैं वो पुरुषों को नहीं दी हैं। उसी प्रकार से जो जिम्मेदारी पुरुषों को दी है वो महिलाओं को नहीं दी गई है। इसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड, चाहे वो नेत्रहीन हो, चाहे वो चल नहीं सकते, मेरी तरह व्हीलचेयर पे हैं, या कोई और किसी भी तरह की जो भी आप कमी कह लें, वो अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ है जो हमारे अंदर ज़्यादा है। और आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हिम्मत के, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चाहिए सामान्य लोगों को भी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटी दिखती नहीं, हमारी बस दिख रही है। तो आप हैं ब्रांड एम्बेसडर इस देश के युवाओं के लिए, इस दुनिया के युवाओं के लिए। तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझने का। तो इसी बात पे एक बार हाउस द जोश, हाउस द जोश। बैलून को तीन रंगों में सजे हुए बैलून, ये सिर्फ बैलून नहीं है, ये है गुब्बारे आपके हौसलों के, जुनून के, आपके उत्साह के और जिंदगी की सफलताओं के। तो मैं मंचा सिंह अतिथि जनों से जी कैलाश जी मानव साहब, श्रीमती कमला देवी जी, प्रशांत सर, वंदना मैम, रवि सर, अभय सर, सुरेंद्र जी सर, आदरणीय सारंग सर से, जंजाद सर से और सुरेंद्र कुमार जी विश्वकर्मा सर से, अजीत सर से प्रार्थना करूंगा कि सर इन बैलून को छोड़ दीजिए और इन खिलाड़ियों को एक हौसला दे दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए वो कुछ बैलून आकाश की ओर जा रहे हैं, आसमान की ओर। और मैं इस इवेंट में सेवा संस्थान डेफिनेटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया DCCI, राजस्थान रॉयल्स, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और BCCI विशेष रूप से सभी मिलकर ये थर्ड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हमारे अपने मेवाड़ में कर रहे हैं। 400 खिलाड़ी, 24 राज्यों की टीम और 11 दिन क्रिकेट का महाकुंभ, 20-20 ओवर का मैच। और जम्मू कश्मीर की टीम पहले विजेता रही नेशनल, वो भी अभी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद। अब रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की टीम के बीच मैच खेलते हुए दिखेंगे। ये एक अलग सा अनूठा इसलिए है कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ और पैर अविकसित हैं या अलग अलग तरीके से मुड़े हुए हैं, सारे दिव्यांग हैं, लेकिन वो अपने पैरों पर चल सकते हैं। वो आपको वो सब शॉट्स मारते हुए दिखेंगे जो जनरली एक सामान्य लोग क्रिकेट खेलते हुए मारते हैं। फील्डिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड प्रदर्शन वैसा ही देखने को मिलेगा। और जो नियम, कायदे, कानून BCCI और ICC के द्वारा IPL मैचेस में और नेशनल मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में होते हैं, वही सब नियम यहाँ है। केवल एडिशनल एक नियम है कि रनर मिलता है यदि ज्यादा दिव्यांग है तो उसको। तो ये दो दो मैचेस शहर के 4 ग्राउंड पर खेले जाएंगे, PN कॉलेज, MB कॉलेज, फील्ड क्लब
और नारायण सिवा का दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी डबोक इन चारों मैचों चारों मैदानों पर फैन कोर्ट से लाइव प्रसारण हो रहा है। काफी सारे कैमरे लगे हुए हैं। आज इसका उद्घाटन है और 8 तारीख को समापन होगा। हमारे शहर में दिव्यांगों के कई सारे खेल के आयोजन हुए हैं पूर्व में भी, और ये भी एक अनूठा आयोजन है। मैं आप सबसे शहरवासियों से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा, एक बार आए ग्राउंड पर आकर इनका जज्बा हौसला बढ़ाएं और आनंद लें। प्रदेश में पहला है और देखा जाए तो भारत में पहला है, क्योंकि 24 टीमों के साथ नेशनल स्तर पर कोई टूर्नामेंट पहले स्पेशली फिजिकल डिसेबिलिटी के लोगों का नहीं हुआ। ये भारत में पहला है। 400 लोगों का ठहराना, उनका भोजन, उनका आवास, उनका ट्रांसपोर्टेशन और 11 दिन व्यवस्था करना अपने आप में एक छोटा काम नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर इस टूर्नामेंट के, तो हरभजन सिंह ने अपनी स्वीकृति दी, वो ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने ट्वीट किया, जय शाह जो सचिव है बीसीसीआई के, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी जी और राजीव शुक्ला जी, इन तीनों ने ट्रॉफी का अनावरण किया। और बीसीसीआई सपोर्टेड बॉडी है डीसीसीआई, और आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां मिलती है खेल कोटे में खिलाड़ियों को, वो एबल्ड लोगों को मिलती है, पुरुष को भी और महिलाओं को भी। लेकिन डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अभी सरकारी नौकरियां भारतीय स्तर पर इतने बड़े स्तर पर नहीं मिलती, वो आने वाले समय में मिलने लगेगी। कई राज्य सरकारों ने नौकरियां देना शुरू किया खेल कोटे में, तो ये इन्हें मिलने लगेगी। और ओलंपिक में अभी क्रिकेट शामिल नहीं हुआ है, आने वाले समय में हम एबल्ड लोगों का जो क्रिकेट है वो हम ओलंपिक में देखेंगे, और कुछ वर्षों बाद डिसेबल लोगों का क्रिकेट भी देखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।